वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल एस वाज ब्लॉग। कैसे आप लोग, आज आपको भाई आ चुका है किसी धमाकेदार वीडियो लेके। भाई जो गाड़ी का कलेक्शन है देख सकते हैं आप लोग, भाई इधर भी गाड़ी का कलेक्शन आप लोग को मिल जाएगा, इधर भी छोटी से लेके बड़ी सेगमेंट की सेडान में भी आप लोग गाड़ी मिल जाएगी। सफारिश टू में 7 सीटर बहुत सारी गाड़ी आपको अवेलेबल है। वॉक्स वैगन है, सेंट्रो है भाई, वरना है, सफारी है, स्पार्क है, मतलब हर सेगमेंट की गाड़ी मिल जाएगी। तो जल्दी से जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको भाई सीधे इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो लाता रहता है। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी गाड़ी के डिटेल आज हम आ चुके हैं आद्य आरण्य मोटर, जिसके पीछे बोर्ड लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सभी गाड़ियों की डिटेल। हेलो मैम। हेलो सर। वेलकम है चैनल पर, सब्सक्राइबर को हाई कर दीजिए। चलिए बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो इस वक्त क्या क्या कलेक्शन आप लोग लाए हैं? देखिए अभी हमारे पास जो नया है वो है स्पार्क है, दूसरा i10 है एंड तीसरा हमारा ये सेंट्रो है। मतलब बहुत सारी गाड़ी के सेगमेंट है भाई, देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी का लाइन यहाँ से वहाँ तक भाई आप लोग गाड़ी ही गाड़ी नजर आएगा। देख सकते हैं वैगनार, सेंट्रो, वरना, मतलब हर सेगमेंट की गाड़ी आप लोग मिल जाएगी, कम बजट में ही मिल जाएगी। बाकी इधर भी गाड़ी लगा हुआ है भाई, स्पार्क भाई काफ़ी कंडीशन में होने वाला है छोटी फैमिली के लिए। जिनके भाई को चाहिए ना, वीडियो बने रही, इस गाड़ी को पूरा डिटेल आप लोग को बताने वाले हैं। आज हम आ चुके हैं आद्य आरण्य मोटर्स ना। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका हुआ। चलिए बाकी आज गाड़ी कलेक्शन काफ़ी बढ़िया होने वाला, एड्रेस बताइए प्रॉपर। ये आद्य आरण्य मोटर्स शॉप है, आप अरगोड़ा न्यू पीपर टोली जो प्लेस है वहाँ पर आ सकते हैं। अरगोड़ा से अगर आते हैं आप कच्चन मोड़ रोड के लिए तो भाई आपको तो एक रास्ता, मतलब आप लोग राइट मोड़ जाएगा भाई, जो कि हेयर ITI बस स्टैंड की तरफ जाता है। तो बस जैसे ही टर्न लेते हैं आप लोग आद्य आरण्य मोटर मिल जाएगा भाई आप लोग को लेफ्ट साइड में। बाकी गाड़ी का यहाँ कलेक्शन काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिलने वाला है। कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले हम आज आपको जो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं वो है हुंडई की वरना। हुंडई की वरना है भाई, देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है। इधर से गाड़ी का फ्रंट व्यू देखिए भाई, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, देख सकते हैं गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बड़ी गाड़ी आप लोग को मिल जाती है यहाँ से, ब्लू कलर में है एकदम। गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम रनिंग कंडीशन में। कब की मॉडल है ये? आपका 2007 का मॉडल है, ठीक है जी। आप रनिंग की बात की जाए तो, रनिंग की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। ऑनरशिप ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर है भाई। बाकी अलॉय व्हील नहीं आता है, व्हील कवर आता है। बाकी टायर, चारों टायर लगभग टायर बहुत बढ़िया कंडीशन है। फ्रंट का भाई पीछे का देख लीजिए आप लोग को, पीछे का टायर कंडीशन थोड़ा सा जम है भाई, बाकी वो आप लोग आके बात कर लीजिएगा जो भी है। बाकी इधर से गाड़ी का बैक प्रोफाइल देखिए, कुछ इस तरह मिल जाता है। 5 जमशेदपुर की गाड़ी है भाई ये, वरना पहले वाली मॉडल है भाई ये, वरना आप लोग को गाड़ी बाकी काफ़ी बेहतरीन। आगे का फ्रंट का दोनों टायर काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर आप लोग को दिखा दें एक बार। इंटीरियर में कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को, चारों पावर विंडो पहले तो आप लोग को मिल जाएगा भाई, पावर स्टेयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, AC हर कुछ अवेलेबल है। बाकी देखिए इधर सी का कंडीशन काफ़ी बढ़िया कंडीशन में, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है गाड़ी में। गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, एकदम रनिंग कंडीशन में सर, जो इसको लेगा उसमें उसको कोई काम कराने की जरूरत नहीं। माइलेज क्या निकाल देगी? माइलेज सर ये डीजल गाड़ी है तो, डीजल है तो 20 तो प्लस दे ही देगी। पता है क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी का? देखिए इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है 180 इसका प्राइस, 1,80,000 है, फिक्स है? देखिए थोड़ा बहुत कम हो जाएगा अगर हमारे चैनल के थ्रू आते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। आइए भाई मात्र 1,80,000 में चमचमाते भाई 7 की वरना विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो मैम, नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है शेवरलेट की स्पार्क। शेवरलेट की स्पार्क है भाई, ब्लैक कलर में एकदम न्यू कंडीशन में, शोरूम कंडीशन में बोला जाए तो भाई एकदम। देखिए गाड़ी स्क्रैचलेस गाड़ी, एकदम कहीं स्क्रैच नहीं है, थोड़ा डस्ट पड़ गया, बाकी गाड़ी भाई एकदम साइन मार रहा है। देखिए गाड़ी में कहीं से कोई तरह का काम जो बोलते हैं ना, कहीं से कोई तरह का काम नहीं लग रहा है। रांची नंबर गाड़ी आप लोग को मिल जाती है। बाकी इधर से गाड़ी के साइड प्रोफाइल दिखाया जाए तो छोटी फैमिली के लिए काफ़ी बढ़िया गाड़ी है भाई। खाली रीवन अगर लगा दिया जाए ना तो कोई नहीं बोलेगा ये गाड़ी पुराना है भाई। देखिए सिर्फ रीवन लगाने पर दे दिए भाई, बाकी टायर भी आप लोग को चारों ब्रांड न्यू कंडीशन में मिल जाता है। मतलब गाड़ी लेने का कोई काम नहीं करता, सबसे ज़्यादा कंडीशन अभी कोई गाड़ी है ना छोटी गाड़ी में तो ये सबसे ज़्यादा कंडीशन लगी है भाई। बाकी देखिए इधर से गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरह मिल जाता है। इधर से साइड प्रोफाइल देख लीजिए। मॉडल की बात की जाए तो मैम ये 13 मॉडल है, 13। रनिंग की बात की जाए तो, रनिंग की बात किया जाए तो ये 80 से 85 हज़ार किलोमीटर समथिंग चली है। ऑनरशिप ये फर्स्ट ओनर है, रांची नंबर गाड़ी है, फर्स्ट ओनर रांची नंबर गाड़ी आप लोग को मिल जाता है। बाकी गाड़ी का बैक प्रोफाइल देखिए भाई, बैक से कुछ इस तरह मिल जाता है। बाकी इंटीरियर में क्या क्या आता है? साउंड सिस्टम है, AC है, सब चालू कंडीशन, चारों पावर विंडो मिल जाता है, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, AC हर कुछ अवेलेबल है। बाकी लेदर का कंफर्ट सीट भी मिल जाता है भाई आप लोग को। देखिए
सीट का कंडीशन वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी में, कहीं से कोई तरह की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल आती है जी? हाँ, ये पेट्रोल। माइलेज क्या निकाली थी? देखिए पेट्रोल गाड़ी है तो आपका 17-18 निकाल देगी समथिंग। क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी का? देखिए इसका प्राइस 180,000 हमने रखा हुआ है। 180,000 जी हाँ। इसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल? थोड़ा बहुत हो जाएगा। सभी गाड़ी में हमारे चैनल के थ्रू आते हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर दीजिए। बिल्कुल। 180,000 आप लोग चमचमाती हुई स्पार्क 13 की मिल जाएगी, जल्दी से आइए भाई विजिट की। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी शेवरलेट की है, शेवरलेट की सेल है ये। शेवरलेट की सेल है भाई जी हाँ। काफ़ी लग्जरी गाड़ी है भाई, देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। देखिए यहाँ से भाई गाड़ी यहाँ से लेके वहाँ तक है, गाड़ी काफ़ी लंबी है, वरना वगैरह में सेडान लुक में एकदम। बाकी देखिए गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, हजारीबाग नंबर गाड़ी मिल जाता है आप लोग को। हजारीबाग नंबर से गाड़ी आती है भाई ये। इधर से गाड़ी का साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इधर से भी गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखिए, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है गाड़ी। बाकी अलॉय व्हील, चारों अलॉय व्हील मिल जाता है आप लोग, टायर कंडीशन कुछ इस तरह कंडीशन मिल जाता है, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है। बाकी गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल आप लोग देख ही सकते, कुछ इस तरह मिल जाता है। देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है। मॉडल की बात की जाए तो ये 2017 दिसंबर की गाड़ी है। 17 दिसंबर की। रनिंग की बात की जाए तो $70,000-$80,000 ये चल रहा है। ओनरशिप ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर से गाड़ी है भाई ये। बाकी गाड़ी का बैक प्रोफाइल देख लीजिए आप लोग, बैक प्रोफाइल कुछ किस तरह मिल जाता है आप लोग, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में। बाकी इंटीरियर की बात की जाए ना भाई तो इंटीरियर आप लोग दिखा देगा। इंटीरियर देखिए भाई आपके कुछ चारों पावर विंडो तो मिल जाता है, पहले तो चारों पावर विंडो, मिरर्स लाइट का ऑप्शन है, साउंड म्यूजिक सिस्टम, एसी हर कुछ अवेलेबल है। बाकी सीट का कंडीशन वगैरह देखिए काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी में, कहीं से कोई तरह का काम नहीं सर, इसमें कोई काम कराने लेने के बाद 1 रुपया काम कराने की जरूरत नहीं है। डीजल आती है पेट्रोल? ये आपकी डीजल है। माइलेज क्या निकाली? ये आपका वही 27 निकाल देगी। चलिए डीजल है तो भाई 27 निकाल देगी। बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी? देखिए इसका प्राइस हमने 3 लाख रखा हुआ है। 3 लाख कब की गाड़ी बताएं? 17 दिसंबर 17 लास्ट की भाई, मात्र 3 लाख आप लोग को मिलेगा, उसमें भी थोड़ा बहुत नेगोशिएबल? बिल्कुल हो जाएगा भाई। 17 लास्ट की है, देखिए इतनी बड़ी गाड़ी 17 दिसंबर यानी 18 मान सकते हैं आप लोग, 17 लास्ट दिसंबर की गाड़ी है। ऑनलाइन आप लोग नंबर भी चेक कर सकते हैं, हजारीबाग नंबर है, मात्र 3 लाख में आप लोग को मिल जाएगी इतना बड़ा गाड़ी। जल्दी से आइए भाई विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको वह हुंडई की सेंट्रो। नेक्स्ट गाड़ी भाई हुंडई की सेंट्रो है, देख सकते हैं आप तो गाड़ी व्हाइट कलर में काफ़ी बेहतरीन लुक में है। रांची नंबर गाड़ी मिल जाता है आप लोग को। गाड़ी का भाई लुक काफ़ी बढ़िया है, जैसे साइड प्रोफाइल फ्रंट का लुक देख सकते हैं कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को, और इधर से साइड का प्रोफाइल देखिए भाई गाड़ी में भाई कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और बाकी बात ये टायर वगैरह कंडीशन के, टायर वगैरह कंडीशन दिखा दें आप लोग को कुछ इस तरह मिल जाता है। बैक प्रोफाइल देखिए आप लोग गाड़ी का भाई, गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है। बाकी मॉडल की बात की जाए तो ये 2010 की है। रनिंग की बात की जाए तो ऑनरशिप ये थर्ड है। एक्सीडेंटल ना है? नहीं सर, इसमें कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हम लोग रखते नहीं है भाई। बाकी अपना मैकेनिक लेके आइए, चेक करवाइए, तभी सेटिस्फाइड होकर लीजिएगा भाई। फ्रंट का आप लोग को 2 पावर विंडो मिल जाता है इसमें, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, एसी आप लोग को अवेलेबल है इसमें भाई। बाकी देखिए सीट का कंडीशन वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन है, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेना है बस चलाना है। चलिए गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। पेट्रोल आती है? पेट्रोल है ये। 17-18 लाख माइलेज निकाल देगी? बिल्कुल एकदम। क्या कीमत देना पड़ेगा इसको खरीदने? इसका कीमत हमने 1,40,000 रखा हुआ है। अच्छा 1,40,000। मॉडल क्योंकि बताया था 2010 का, 10 की गाड़ी है भाई, 1,40,000 रखा हुआ है। लेकिन आइए थोड़ा बहुत मान सम्मान के लिए जो भी होगा नेगोशिएबल हो जाएगा। तो हम दिखाने जा रहे हैं वो वॉक्सवैगन वेंटो है। वॉक्सवैगन की वेंटो है भाई, काफ़ी बड़ी गाड़ी है भाई, व्हाइट कलर में देख सकते हैं वॉक्सवैगन वेंटो है। देखिए भाई काफ़ी लंबी गाड़ी है, जैसे देख सकते हैं आप लोग गाड़ी का साइड प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया कंडीशन में। वेस्ट बंगाल नंबर गाड़ी है ना, वेस्ट बंगाल नंबर गाड़ी है भाई। बाकी देखिए गाड़ी कुछ इस तरह लुक मिल जाता है आप लोग को, बाकी देख सकते हैं टायर वगैरह कंडीशन। बाकी गाड़ी का बैक प्रोफाइल की बात की जाए ना भाई, बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह मिल जाएगा आप लोग गाड़ी का देख लीजिए। बाकी इधर भी भाई, इधर से भी साइड प्रोफाइल आप लोग गाड़ी की दिखा दो, गाड़ी का कुछ प्रोफाइल इस तरह मिल जाता है। मॉडल की बात की जाए तो ये 2011 की है। 11 रनिंग की बात की जाए, रनिंग की बात की जाए तो 80,000-90,000 ये चली हुई। चलिए ऑनरशिप, ऑनरशिप ये फर्स्ट गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट ऑनर है भाई। बाकी इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर आप लोग दिखा दे, इंटीरियर में भाई आप लोग को चारों पावर विंडो में आता है, चारों पावर विंडो। बाकी देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, एसी आप लोग को मिल जाता है। बाकी देखिए इधर सीट भाई एकदम लग्जरियस गाड़ी बोल सकते हैं इसको, एकदम हैंडजस्ट पे वगैरह हर कुछ अवेलेबल है इसमें, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं है। डीजल आती है? जी हाँ ये डीजल है। 20 का माइलेज निकाल देगी? जी बिल्कुल। क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी? देखिए इसका
प्राइस हमने 1,80,000 रखा हुआ है। 1,80,000 जी हाँ, 1,80,000 में भाई आप लोग को चमचमाती है वॉक्स वैगन वेंटू मिल जाएगी भाई। जल्दी से आइए, विजिट कीजिए, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल के साथ है। जी बिल्कुल आइए भाई, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल इसमें भी हो जाएगा, विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सफारी स्टॉर्म है। मतलब 7 सीटर गाड़ी भाई, काफ़ी बड़ी गाड़ी है, एकदम दबंग लुक वाली गाड़ी है भाई। सफारी स्टॉर्म अपनी टाइम एक दबंग लुक में अभी भी आती है भाई, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग सफारी स्टॉर्म है। आगे का फ्रंट क्यों देखिए, इधर से साइड का प्रोफाइल देखिए भाई, काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी एकदम बड़ी है भाई। बाकी देख सकते हैं अलॉय व्हील चारों टायर आता है भाई, टायर वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन, बड़ा टायर एकदम। अलॉय व्हील देख सकते हैं आप लोग, गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखिए कुछ इस तरह मिल जाता है। ये आप लोग को रांची नंबर मिल जाती है भाई। बाकी इधर से गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखिए काफ़ी बढ़िया है। मॉडल की बात की जाए तो ये 2013 की है। रनिंग की बात की जाए तो ये आपकी 1,00,000 के आसपास चली हुई है। चलिए ऑनरशिप फर्स्ट ऑनर से है। बाकी इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर की बात की जाए ना भाई, देख सकते हैं आप भाई इंटीरियर भाई काफ़ी लाजवाब है इसका। चारों पावर विंडो मिलता है और देखिए लेग स्पेस भाई कितना ज़्यादा है इसका, देख सकते हैं आप लोग। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफ़ी बढ़िया, डबल एयर बैग आप लोग को मिल जाता है, उजन का काम किया हुआ है डैशबोर्ड में। बाकी एकदम लग्जरी गाड़ी है भाई, काफ़ी बड़ी एकदम, देखिए लेदर का कम्फर्ट सीट मिल जाता है और रूफ एसी के साथ आप लोग को आता है। बाकी 7 सीटर गाड़ी है भाई, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं, पावर स्टीयरिंग साउंड म्यूजिक सिस्टम एसी हर कुछ अवेलेबल है। बाकी गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है। बाकी देख सकते हैं जैसे बैक प्रोफाइल भी गाड़ी का काफ़ी बढ़िया लग रहा है। गाड़ी में कहीं से कोई तरह का काम नहीं सर, इसमें कोई काम कोई भी काम होता है कोई भी गाड़ी में थोड़ा बहुत आप लोग करा के दीजिएगा ना। जी बिल्कुल। चलिए मॉडल क्योंकि बताया था 13 का है, रनिंग 70 से 80 हज़ार के समथिंग, चलिए 1,00,000 के आसपास, 1,00,000 की। चलिए ऑनरशिप फर्स्ट जी हाँ, क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी ये का? हमने इसका प्राइस रखा है 4,50,000, 4,50,000 जी हाँ बिल्कुल। मॉडल क्या बताया 13 ना, 13 की गाड़ी है भाई, 4,50,000 आप लोग को मिल जाएगा, 4,50,000 में आप लोग को मिल जाएगा 13 की गाड़ी, फाइनेंस हो जाएगा। चलिए फाइनेंस भी हो जाएगा भाई, तो आप लोग बाकी आके बात कर लीजिएगा। आइए 4,50,000 में सफारी स्टॉर्म विजिट की। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है वैगनार। नेक्स्ट गाड़ी है भाई वैगनार, छोटी फैमिली के लिए काफ़ी बेस्ट गाड़ी है, 10 धनबाद की गाड़ी है, धनबाद नंबर गाड़ी मिल जाता है आप लोग को वैगनार। देखिए गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरह, चारों टायर भाई बेस्ट कंडीशन में, टायर की कंडीशन देख लीजिए आप लोग, पीछे भी टायर कंडीशन में कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को गाड़ी भाई, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है। बाकी गाड़ी का इधर फ्रंट प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, साइड प्रोफाइल भी देखिए, फॉग लैम्प के साथ आप लोग को मिलता है भाई। गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं, चारों टायर एकदम बेस्ट कंडीशन मिलने वाला है। बाकी टायर के लिए आप आके बात कर लीजिएगा भाई, जो भी है जैसा होगा। बैक प्रोफाइल आप लोग गाड़ी का दिखा दे, गाड़ी का बैक प्रोफाइल देखिए आप लोग, बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को, गाड़ी में कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है। बाकी इंटीरियर की बात की जाए ना भाई, तो इंटीरियर आप लोग को दिखा दें, फ्रंट का 2 पावर विंडो मिल जाता है पहले तो आप लोग को, म्यूज़िक सिस्टम एसी आप लोग का अवेलेबल है, तौलिया वगैरह सब लगा हुआ है सीट में, गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में छोटी फैमिली के लिए। मॉडल की बात की जाए तो ये आपकी 2007 मॉडल है, 7 की। रनिंग की बात की जाए तो रनिंग की बात की जाए तो ये 80 से 90 हज़ार चली हुई है। ऑनरशिप ये आपका थर्ड ओनर है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या कीमत देना पड़ेगा ये इसका प्राइस हमने 1,40,000 रखा हुआ है। 1,40,000 भाई, 7 की गाड़ी है, 1,40,000 इसका प्राइस रखा गया है। आइए थोड़ा बहुत नेगोशिएबल के साथ मिल जाएगा आप लोग को, 1,40,000 में आइएगा, मान सम्मान किया जाएगा अगर हमारे चैनल के थ्रू, हमारे चैनल के नाम लेके आते हैं तो जो भी होगा कम कर दिया जाएगा। 1,40,000 में वैगनार भाई विजिट कीजिए। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो नेक्स्ट गाड़ी आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो है i10। i10 जी, नेक्स्ट गाड़ी भाई i10 होने वाली है। बाकी देख सकते हैं हजारीबाग नंबर i10 मिल जाएगा आप लोग, गाड़ी भाई काफ़ी बेहतरीन कंडीशन में है, छोटी फैमिली के लिए ये सब गाड़ी ना काफ़ी बेहतर, काफ़ी मतलब बेस्ट गाड़ी है भाई एकदम। बाकी टायर की कंडीशन की बात की जाए तो कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को। बैक प्रोफाइल की बात की जाना है, गाड़ी का बैक प्रोफाइल दिखा दे आप लोग को, पीछे से कुछ इस तरह मिल जाता है आप लोग को गाड़ी में। बाकी इधर से साइड प्रोफाइल देख लीजिए गाड़ी का भाई, चारों तरफ से गाड़ी को देखिए काफ़ी बेहतरीन बेस्ट कंडीशन में एकदम। बाकी बात की जाए इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर दिखा दे भाई आप लोग को, इंटीरियर में क्या क्या मिलता है। इंटीरियर में तो आपको चारों पावर विंडो, मिरर लाइट का ऑप्शन, म्यूजिक सिस्टम, एसी हर कुछ अवेलेबल है भाई। बाकी लेदर का कंफर्ट सीट भी लगा हुआ है गाड़ी में, कहीं सीट एकदम नया है भाई, ब्रांड न्यू गाड़ी में, कहीं से कोई तरह की दिक्कत है। पेट्रोल आती है 17-18 का माइलेज निकाल देगी जी बिल्कुल। मॉडल कब की है ये 2013 मॉडल है। रनिंग की बात की जाए तो रनिंग की बात की जाए तो ये एकदम 80-90 हज़ार के आसपास चली हुई है। ऑनरशिप फर्स्ट है, फर्स्ट ऑनर, थोड़ा बहुत माइनर स्क्रैचेस वगैरह है इसमें जी, ये सब आप करा दीजिएगा।
ऑनर की बात की जाए तो सेकंड ऑनर है ये। सेकंड ऑनर है, माइनर स्क्रैचेस वगैरह है थोड़ा बहुत, ये सब हम लोग करा के देंगे। अच्छा, गाड़ी जितना भी यहाँ गाड़ी देख रहे भाई लगा हुआ, जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा काम वगैरह वो सब आप लोग को करा के मिलेगा। तो बताइए क्या कीमत देना पड़ेगा इसका? इसका प्राइस हमने 280 रखा हुआ है। 280 है तेरा ही गाड़ी, तेरा की गाड़ी है भाई, 280 में आप लोग को मिल जाएगी। लेकिन आने पर थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा, आइए भाई, जो आप लोग जैसा लगता है फिक्स मतलब थोड़ा बहुत नेगोशिएबल करा के ले जाइए गाड़ी को। नेक्स्ट गाड़ी की बात की जाए तो मैम, नेक्स्ट गाड़ी जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो है इनोवा। नेक्स्ट गाड़ी भी इनोवा है भाई, काफ़ी बड़ी गाड़ी है एकदम, मतलब लग्जरियस गाड़ी बोल सकते, काफ़ी बड़ी स्कॉर्पियो सब कहते हैं। चक्कर में जो सफारी आप लोग दिखाया भाई 7 सीटर, अब हमारे पास इनोवा जमशेदपुर नंबर है। बाकी गाड़ी देखिए भाई, गाड़ी भाई एकदम फुली लोडेड है, फुली एसेसरीज से भाई, गाड़ी में कहीं से कोई प्रूम वगैरह सब लगा हुआ है गाड़ी में। बाकी देख सकते हैं जमशेदपुर नंबर गाड़ी मिल जाता है आप लोग को। बाकी गाड़ी का देखिए प्रोफाइल कुछ इस तरह मिल जाएगा, साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी का। गाड़ी भाई काफ़ी लंबी चौड़ी गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी लग रही है, गाड़ी में कैसे बताया कोई दिक्कत नहीं है। चारों टायर आप लोग ब्रांड न्यू कंडीशन मिलने वाला है पहले, तो देख लीजिए भाई टायर दिखा देते आप लोग, टायर काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है। बैक प्रोफाइल देखिए गाड़ी का, पीछे से भी गाड़ी काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है, गाड़ी में कहीं से कोई तरह का काम नहीं लग रहा है। इधर से भी गाड़ी का प्रोफाइल देखिए, साइड प्रोफाइल भाई साइड में लगा हुआ। बाकी टायर कंडीशन देख लीजिए, टायर वायर कंडीशन ब्रांड न्यू कंडीशन मिलने वाला है आप लोग को। बाकी बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर आप लोग को दिखा दें इसका। इंटीरियर देख लीजिए भाई, चारों पावर विंडो मिल जाएगा पहले तो आप लोग को, एलईडी स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, एसी, एकदम लेदर का कंफर्ट सीट है भाई, देखिए लेदर का कंफर्ट सीट मिल जाता है। इधर से सीट का कंडीशन वगैरह काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, 7 सीटर गाड़ी, भाड़े पर्पज़ के लिए भाई काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, कब मॉडल कब की है? अगर मॉडल की बात करें तो ये 2006 की है, आपको 2026 तक इसकी वैलिडिटी मिलेगी। 6 की है लेकिन 26 तक है जी, बिल्कुल 6 की गाड़ी है भाई, 26 तक वैलिडिटी है। तो और ऑनरशिप की बात की जाए तो ये थर्ड ओनर गाड़ी है, थर्ड ओनर चली क्या है, ये 1,00,000 चल चुकी है ऑनरशिप थर्ड ओनर, थर्ड है। क्या कीमत देना पड़ेगा इसका? हमने 3,50,000 रखा हुआ, 3,50,000 26 तक पेपर अप्रूव जी, बिल्कुल भाई 3,50,000 में आप लोग को मिल जाएगा। लोन हो जाएगा इसमें? नहीं सर, इसमें कैश लेना ही होगा जी, बिल्कुल। चलिए भाई 3,50,000 में आप लोग को ये इनोवा मिल जाएगा भाई, जिनके लिए भाई को चाहिए 3,50,000 में भाई आइए चमचमाती इनोवा विजिट कीजिए। नेक्स्ट फीस है हमारे पास, फिर एक इनोवा है ना जी, हाँ बिल्कुल। मॉडल की बात किया है तो ये आपकी 2010 है, 2010 की मॉडल है ना, 10 की मॉडल मिल जाएगी भाई आप लोग को इनोवा। इसका भी प्रोफाइल दिखा दे भाई, काफ़ी बढ़िया कंडीशन लग रहा है देखने में। देखिए गाड़ी का प्रोफाइल कुछ इस तरह मिल जाएगा आप लोग को इनोवा, देखने को काफ़ी बढ़िया कंडीशन में लग रहा है इधर से तो। बाकी बात की जब टायर कंडीशन की भाई, टायर कंडीशन देख लीजिए आप लोग, इसका भी टायर चार एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में एकदम लग रहा है। बाकी देखिए गाड़ी का इधर से प्रोफाइल, जमशेदपुर नंबर गाड़ी मिल जाती है, अभी जमशेदपुर नंबर गाड़ी है। बाकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए ना गाड़ी की, गाड़ी का बैक प्रोफाइल आप लोग दिखाते हैं। देखिए पीछे से कुछ इस तरह मिल जाता है भाई आप लोग को, इधर से साइड प्रोफाइल देखिए गाड़ी का, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में गाड़ी में कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं लग रहा है। मॉडल की बात की जाए तो मॉडल कब की है? ये 2010 का मॉडल है। 10 की रनिंग की बात की जाए तो? रनिंग की बात करें ये भी 1,00,000 चल चुकी है। ओनरशिप? ओनरशिप ये थर्ड है, ये भी थर्ड ओनरशिप है। बाकी इंटीरियर की बात की जाए ना भाई, तो इंटीरियर दिखाते हैं। चारों पावर विंडो, मिरर स्लाइड का ऑप्शन है भाई, म्यूजिक सिस्टम, एसी हर कुछ अवेलेबल है इसमें। सीट का कंडीशन भाई इसका काफ़ी बढ़िया, देखिए सीट भाई एकदम लेदर का कम्फर्ट सीट लगा हुआ है गाड़ी में, कहीं से कोई तरह की दिक्कत नहीं लग रहा है इसे। डीजल आती है 15 तो निकाली देगी माइलेज आराम से। क्या कीमत देना पड़ेगा इस गाड़ी का? प्राइस हमने 4,50,000 रखा हुआ, इसका भी 4,50,000। अरे भाई 4,50,000 में आप मॉडल कब के बताए थे? 2010 की, 10 की है भाई, 10 की गाड़ी है, 4,50,000 इसका प्राइस रखा गया है। लेकिन आने पे थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है हमारे चैनल पे भाई, आइएगा थोड़ा अच्छा खासा नेगोशिएबल हो जाएगा इस गाड़ी में, आइए 4,50,000 में 7 सीटर इनोवा विजिट कीजिए। चलिए गाड़ी का कलेक्शन तो आज काफ़ी बढ़िया बढ़िया था, तो बताइए फाइनेंस का क्या फैसले किया आपके यहाँ? देखिए अगर आपको फाइनेंस में कोई गाड़ी चाहिए तो हमारे पास अभी फिलहाल दो ही है, एक है सफारी स्टॉर्म 2013 की, दूसरा है शेवरलेट सेल, दोनों में फाइनेंस हो जाएगा आपका, बाकी सभी गाड़ी कैश में। तीसरा आई10 है, हाँ फाइनेंस हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी सब आप लोग कैश ही लेना है, इनोवा भी है तो कैश लेना होगा जी, बिल्कुल। चलिए कितना परसेंट डाउन पेमेंट देना होगा? 30% जैसे 1,00,000 की गाड़ी 30,000, 1,00,000 की गाड़ी इतनी होती होगी? नहीं, ये 2,00,000 में होगी, 1,00,000। अच्छा, मतलब 13 से 14 मॉडल है जो उसमें फाइनेंस होगा, बाकी एक्सटेंशन वगैरह कोई नहीं मिलता है? नहीं सर, हम लोग रखते हैं थोड़ा बहुत जो भी है चेंज पेज का काम कराना है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं, थोड़ा बहुत भाई रांची टाउन में रहता है तो बम्फर वगैरह टचअप हो जाता है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं, अपना मैकेनिक ला के चेक करवा सकते हैं जी, बिल्कुल लाइए। कि नहीं गाड़ी लेना है तो क्या क्या प्रूफ लाना होगा? आई डी देखिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो कापी, बस आधार कार्ड या पैन कार्ड की फोटो कापी, एक फोटो लगेगा भाई आप लोग को।
और आप अपने गाड़ी को यहाँ भाई आके अपना बना सकते हैं। अगर हमारे चैनल के थ्रू आइए थोड़ा बहुत नहीं कर सकते जल्दी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।